एक हलचल भरे बाजार में राधा ने लगन से अपनी पानी पूरी तैयार की। तीखे इमली के पानी और स्वादिष्ट मसालों से भरे कुरकुरे गोले। उसके वफादार ग्राहक उत्सुकता से कतार में खड़े थे, प्रत्याशा में उनके मुंह में पानी आ रहा था। आपका स्वागत है मेरे प्यारे ग्राहकों, आगे बढ़ें और मेरी स्वादिष्ट पानी पूरी के स्वाद का आनंद लें। राधा, तुम्हारी पानी पूरी बेजोड़ है, मसालों और ताजगी का उत्तम मिश्रण, उसे कोई हरा नहीं सकता। धन्यवाद प्रिया, इन स्वादों के माध्यम से खुशी लाना मेरा जुनून है। रवि, एक कुटिल योजना वाला धूर्त व्यक्ति, दूर से देखता रहा। उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कान फैल गई। आह, राधा की सफलता जल्द ही मेरी होगी। मैं उसके ठीक बगल में एक स्टॉल खोलूंगा और उसके सभी ग्राहकों को चुरा लूंगा। रवि ने बिना समय बर्बाद किए राधा के बगल में अपना स्टॉल लगाया। उसके बैनर पर पानी पूरी की बेहद कम कीमत की घोषणा की गई थी। सस्ते पानी पूरी, आधी कीमत, दोगुनी मात्रा, मेरे पास आओ दोस्तों। क्या आपने सुना, पानी पूरी आधी कीमत पर, हमें इसे अवश्य आजमाना चाहिए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और कम कीमतों के आकर्षण से आकर्षित होकर ग्राहक रवि के स्टॉल पर आने लगे। अरे नहीं, मेरे व्यवसाय का क्या होगा, मैं गुणवत्ता से समझौता नहीं कर सकती। अपनी चिंताओं के बावजूद राधा उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रही। वो लगन और निष्ठा के साथ अपने ग्राहकों की सेवा करती रही। इन पानी पूरी का स्वाद फीका है और गुणवत्ता घटिया है, हमने राधा का स्टॉल छोड़कर गलती की। धीरे धीरे निराश ग्राहकों को यह एहसास होने लगा कि अकेले कीमत संतोषजनक पाक अनुभव की गारंटी नहीं देती है। जब आप पैसे बचा सकते हैं तो गुणवत्ता की आवश्यकता किसे है। लेकिन रवि की कपटपूर्ण रणनीति की अल्पकालिक जीत हुई। असंतुष्ट ग्राहक राधा के स्टॉल पर लौटने लगे, उन प्रामाणिक स्वादों के लिए तरस रहे थे जिन्हें वे कभी पसंद करते थे। राधा, आपकी पानी पूरी बेजोड़ है, हमने अपना सबक सीख लिया है। आपके जुनून और बारीकियों पर ध्यान देने से बहुत फर्क पड़ता है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, मैं आपको वापस पाकर बहुत खुश हूँ। रवि की चालबाजी की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। मैंने गुणवत्ता और प्रामाणिकता की शक्ति को कम आका, मैंने सब कुछ खो दिया है। इस बीच राधा का स्टॉल एक बार फिर फला फूला, क्योंकि उसके अटूट समर्पण और अपनी कला के प्रति सच्चे प्यार ने पुराने और नए ग्राहकों का दिल जीत लिया। मेरे प्रिय ग्राहकों, धोखे की जगह प्रामाणिकता और गुणवत्ता को चुनने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी स्वाद कलियों को खुश रखने का वादा करती हूँ। और इस तरह राधा की पानी पूरी ने अपना पूर्व गौरव पुनः प्राप्त कर लिया, जबकि रवि का स्टॉल लालच और बेईमानी के परिणामों की याद दिलाने वाला मात्र बन गया। राधा और रवि की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची सफलता समर्पण, अखंडता और किसी के शिल्प के प्रति वास्तविक जुनून से आती है।